हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली मंचूरियन। इसके लिए हम लेंगे 8-10 इडली, कुछ कटी हुई हरी मिर्ची, कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी पत्ता गोभी और लहसुन 3-4 कली। साथ में हमें चाहिए होगा सोया सॉस, टमाटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस और कॉर्नफ्लोर। इसके साथ ही हम लेंगे थोड़े से ड्राई मसाले अपने, नमक मिर्ची हल्दी। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी ग्रेवी। तेल मैंने गर्म करने रख दिया है, ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। एक मिनट तक लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन होने तक भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज, इसको भी थोड़ा गोल्डन होने तक ही हम भुनेंगे। साथ साथ ही इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। प्याज हमारे थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं, अब यहीं पे हम डालेंगे पत्ता गोभी और इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से गोल्डन होने देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। जब तक हमारी पत्ता गोभी थोड़ी सी गल जाए तब तक हम इडली को कट कर लेते हैं। इसको हम ऐसे सेंटर में कट करके इसके 4 पीसेस, 6 पीसेस कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं 3-3 पीस कर रही हूँ। बस इसी तरह से हम अपनी सारी इडली को पहले कट कर लेंगे। पत्ता गोभी अच्छे से गल गई है, अब इसमें हम डालेंगे अपनी सॉसेस। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और जो कॉर्नफ्लोर हमने लिया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे पहले, उसके बाद इसमें डालेंगे। अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें लम्स आ जाते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और मिर्ची। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि सॉसेस में नमक होता है ऑलरेडी। ये देखिए ग्रेवी बहुत ही सुंदर बनी है, इसका कलर आ गया है। इसको 1 मिनट तक पकने देंगे। अगर ये गाढ़ी हो तो इसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे। थोड़ी सी मेरे को गाढ़ी लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें जो हमने इडली को कट किया था उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। ये इडली मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूंगी। मैंने ये ड्राई इडली मंचूरियन बनाया है। अगर आपको ये ग्रेवी में पसंद है तो आप थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर ज्यादा ऐड कर सकते हैं। इडली मंचूरियन बनके हमारा तैयार हो गया है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।